फोटोशॉप के सीरीज में हमारा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एडिटिंग मैं कैसे किया हूँ बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप में बताने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो में हम बेसिक देखे थे फोटोशॉप कैसे स्टार्ट किया जाता है और फोटोशॉप में लेयर क्या होती है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो दो टूल होते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल, इसी के साथ साथ मो टूल क्या होता है मैं बताया था। पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं आपको इस टूल का यूज़ बताने वाला हूँ और इस टूल के ज़रिए से मैं इस फोटो कैसे एडिट किया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे पुराने वीडियो की सीरीज़ देखना है तो आप रिलायबल सॉल्यूशन पे विज़िट कीजिए, यूट्यूब में जाइए, आप वहाँ पे रिलायबल सॉल्यूशन सर्च कीजिए, तो एमएस ऑफिस यहाँ पे टाइप कीजिए, आपके सामने कंप्लीट एमएस ऑफिस आ जाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ आपको कंप्लीट 31 वीडियोस में एमएस ऑफिस सीखने के लिए मिलेगा। आपको कंप्यूटर हार्डवेयर सीखना है तो यहाँ आपको कंप्लीट कंप्यूटर हार्डवेयर मिल जाएगा। आपको डीटीपी सीखना है जिसमें कोरल ड्रॉ कंप्लीट बता चुका हूँ मैं, तो आपको यहाँ पे नियर अबाउट 25 वीडियोस कोरल ड्रॉ पे मिलेंगी। और अभी हम जो फोटोशॉप की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, हम लास्ट वीडियो में हम फोटोशॉप का बेसिक देखे थे जो कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 महीने के बाद मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, ये सीरीज़ कंटिन्यू अब चलने वाली है। कुछ टाइम की प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब ये कंटिन्यू मैं आपको बताने वाला हूँ। हर वीडियो पे, हर टॉपिक पे, हर टूल्स पे एक प्रैक्टिकल डिज़ाइन बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं बताया आपको कि ये कैसा बनाया हूँ मैं, तो हर आपको एक ऑब्जेक्ट पे, एक टॉपिक पे इस तरह के ग्राफिक्स कैसा बनाया जाता बताने वाला हूँ। तो यहाँ आपको जो भी कोर्स सर्च करना है, जैसा कि यहाँ पे एक्सेल मिल जाएगा आपको, एडवांस एक्सेल, तो बहुत सारे हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल है। आपको जो भी कोर्स चाहिए आपको यहीं पे, मेरा नंबर है 8919580716 पे, ओनली व्हाट्सअप कीजिए और वहाँ पे कौन सा कोर्स आपको सीखना है मुझे बताइए, तो मैं आपको वो लिंक फॉरवर्ड करता हूँ, तो वहाँ से आप कंप्लीट कोर्स सीख सकते हैं। और आपको कुछ डाउट्स है तो मैं व्हाट्सएप पे डाउट्स भी क्लियर कर सकता हूँ आपका, अगर टाइम के हिसाब से पॉसिबल रहा तो, या फिर मैं आपको उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप की जो हमारी सेकंड वीडियो है उसको कैसा बनाया जाए। इसके अलावा आप यहाँ पे स्पेशल फॉर गर्ल्स प्लेलिस्ट में हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट की है, जिसमें आप कंप्लीट बेसिक टू एडवांस फैशन डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है फैशन डिज़ाइनिंग का, जिसमें आप कंप्लीट इंडियन वेस्टर्न कंप्लीट यहाँ पे आप सीख सकते हैं, सब चीज़ें सीखेंगे आप। ये सब चीज़ें फैशन डिज़ाइनिंग में सीखने वाले हैं, तो आप या आपके कोई फ्रेंड जो इंटरेस्टेड है तो उनको ये कोर्स शेयर कीजिए, ताकि वो लोग यहाँ से फ्री में कुछ सीख सके। अगर आप इंस्टीट्यूट में इस कोर्स को सीखते हैं तो इसकी फ़ीस आपको 1 लाख के अराउंड होती है, किसी किसी इंस्टीट्यूट में 4-4 लाख रुपीज़ पे करना पड़ता है आपको, बट वही कोर्सेज आपको और मोर देन उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है और कम्प्लीटली प्रैक्टिकल मिलने वाला है। तो आइए हमारी जो सेकंड वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि फ़ोटोशॉप पे डिपेंड है। और अब यहाँ से हम फोटोशॉप की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकली पूरा। तो हमको क्या करना है, मैं यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, जिसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, जिससे हम नया पेज लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हैं, न्यू कंट्रोल एन से हम नया पेज ले लिए। अब मैं यहाँ पे साइज सेट किया, उसकी विथ जो है वो 7 है और जो हाइट है 9 है, इसको ओके किया हूँ। ओके करने के बाद मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ये मेरे पास एक पेज आ गया। और आपको ध्यान रहना चाहिए कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखे तो लास्ट वीडियो देख लीजिए, और मैं यहाँ पे आई बटन में भी ऐड कर दे रहा हूँ वीडियो, तो कंप्लीट अगर आप वो लास्ट वीडियो देखे तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा लेयर्स क्या होती है, विंडोज़ में क्या ऑप्शन का यूज़ करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल एन से न्यू पेज लिए, देन मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ करता हूँ, जो कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं ओपन, तो मैं यहाँ से कंट्रोल ओ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो फ़ोटोज़ लेना है मुझे फ़ोटो ओपन होंगी। मैं ऑलरेडी एक फ़ोटो डाउनलोड करके रख चुका हूँ, ये वाली फ़ोटो है। तो हमको ये फ़ोटो लेना कहाँ से है,
आपको फ्री फोटो अगर लेना है तो आप जाइए गूगल में सर्च कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए फ्री इमेजेस वेबसाइट बोलकर सर्च कीजिए, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी पिक्साबा है, अनस्प्लैश है, फ्री पिक है, इस तरह की बहुत सारी आपको यहाँ पे वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं मैं यहाँ से ये वेबसाइट से सर्च किया यहाँ पे इमेजेस फॉर फोटो एडिट, तो मैं यहाँ से ये फ़ोटो लिया हूँ, ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आपको फ़ोटो पे क्लिक करके आपको ऑप्शन पूछता है डाउनलोड करना, आपके पास फ़ोटो डाउनलोड हो जाएंगी, मेरे पास फ़ोटो डाउनलोड है। अब मैं यहाँ से इसको फ़ोटो को ओपन करता हूँ, कंट्रोल हो या फिर यहाँ से ओपन किया हूँ, मेरी जो फ़ोटो यहाँ पे डाउनलोड में है, मैं यहाँ से कंप्यूटर में जाता हूँ, सी में जाता हूँ, सी में यूज़र्स में जाता हूँ, यहाँ से रिलायबल में, आप चाहे तो पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं उसको, डाउनलोड, डाउनलोड से ये फ़ोटो है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे ये फ़ोटो आ चुकी है। अब मैं यहाँ से इस पिक टूल का यूज़ करता हूँ, पिक टूल हम जो बोलते हैं कोरल में बोलते हैं, यहाँ पे इसको मोर टूल जिसके लिए शॉर्टकट की वी है, अगर डायरेक्ट मैं वी प्रेस करूँगा तो इस तरह से आ जाएगा, इस पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से इस पर ड्रैग कर दूंगा। तो करना कैसे, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके इस जो ब्लैंक पेज है ब्लैंक पेज पर ड्रैग करना है, तो इमेज यहाँ आ जाएगी, और इसको क्लोज कर देना है, ओरिजिनल इमेज है इसको क्लोज कर देना है। तो हम देख सकते हैं इस तरह हमारे पास इमेज आ चुकी है, लेकिन इमेज की साइज़ बहुत बड़ी है और हमारी जो पेज है वो छोटा है, वो हिसाब से इमेज बहुत बड़ी है, तो इसको छोटी करना है, इसमें इमेज में फिट करना है, तो कैसा करेंगे उसके लिए आपको जेड की प्रेस करना है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर भी, आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट के लिए रहता है, इस पर क्लिक करें, यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप। लेने के बाद में आपको फिर की प्रेस करना है कंट्रोल टी, ये शॉर्टकट की है जो कि आप एडिट से भी कर सकते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म। अब आप यहाँ से इसको छोटा कर लीजिए थोड़ा, अल्ट शिफ्ट प्रेस कीजिए, ये फ़ोटो छोटी होंगी, फिर इस फ़ोटो को इस तरह ड्रैग करके यहाँ लाइए, फिर अल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कीजिए, फ़ोटो को इस तरह सेट कर दीजिए प्रॉपर और इंटर प्रेस कर दीजिए, फ़ोटो यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो हमने इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए हम देखे थे ये, फिर से हम यहाँ जाएंगे और इसको ऐसा क्लिक करके ऐसा ड्रैग करेंगे कॉर्नर्स उसके अराउंड साइड से, तो ये फ़ोटो हमारे सामने आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो फ्रेम थी जो हमने साइज़ लिए, तो वहाँ पे हमारी फ़ोटो आ चुकी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल में जाकर न्यू पेज लिए, उसके बाद में फ़ोटो को ओपन किए, देन फ़ोटो को मूव टूल से ड्रैग करके फ्रेम में रखे, जो हमारी पेज की साइज़ थी फ्रेम थी वहाँ रखे, रखने के बाद में फ़ोटो को ट्रांसफॉर्म किए, एडिट में जाकर कंट्रोल टी शॉर्टकट की है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद में शिफ्ट अल्ट के साथ उसको इसमें सेट किए, और फिर जूम टूल के ज़रिए से हम इसको प्रॉपरली सेट कर दिए। अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके देखिए स्टेप बाय स्टेप, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ से सिलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल, मार्की टूल, मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, हाँ सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपको कितनी इमेज चाहिए उतना सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्शन हो गया आपका। सिलेक्शन होने के बाद में अब आपको शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई, जो कि आपको यहाँ से सेलेक्ट में इनवर्स बोल के ऑप्शन है, इनवर्स यानी कंट्रोल शिफ्ट आई, इस पर क्लिक कीजिए आप, तो इस तरह सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए, फिर आपको फिदर देना है यहाँ पर, तो हर बार एक अलग अलग फिदर देना है, डिपेंड करता है आपके पेज के साइज़ क्या है, इमेज की साइज़ क्या है, हिसाब से आप फिदर लेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे 35 फिदर देता हूँ और इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद
अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये कलर देना है इसमें एज इट इज, इसको ऐसे रहने देना, कलर देना है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसे कलर चेंज कर सकता, यही कलर रहने देता हूँ। मैं प्रेस करता हूँ अल्ट बैक स्पेस, तो आप देख सकते हैं इस तरह इमेज आ चुकी है। अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो इस तरह शिफ्ट, तो देख सकते हैं आप इस तरह एडिटिंग हो चुकी है मेरे पास। सेम वही इमेज थी जो मैं आपको बताया था यहाँ पे, मैं इस तरह बताया था। तो आप अपने मर्जी से आप कुछ भी कलर दे सकते हैं यहाँ पे, तो अल्ट बैक स्पेस या फिर कंट्रोल बैक स्पेस। आप चाहे तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ये कलर लिया आप, इस पर क्लिक करें अल्ट बैक स्पेस, तो इस तरह आप कलर सेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो ये था हमारा सेकंड वीडियो, जो कि मैं आपको बहुत ही आसान स्टेप में बताया हूँ। तो इस तरह हमारी कंटिन्यू वीडियो में आपको हर ऑप्शन के साथ एक एक एडिटिंग मिलने वाली है, उसके बाद में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरह हमारा कंप्लीट ये फोटोशॉप 7 होने के बाद मैं आपको फोटोशॉप CS6 बताने वाला हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए और फोटो एडिटिंग में अपने आप को परफेक्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारा फोटोशॉप 7 बेसिक कंप्लीट होने के बाद मैं फोटोशॉप CS6 बताने वाला आपको। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स, लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिए।